दिस इज क्लास 4 चैप्टर 2 लिंकन लर्न्स टू रीड एंड राइट। ये लिंकन जिनका पूरा नाम अब्राहम लिंकन है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ये थे। ये बचपन में कैसे लिखना पढ़ना सीखे हैं इसके बारे में एक कहानी। अब्राहम लिंकन वाज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड लॉयर। अब्राहम लिंकन अमेरिका के रहने वाले थे, वो एक राजनेता थे और एक वकील भी थे। वो सर्व्ड एज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम मार्च 1861 अंटिल हिज असैसिनेशन इन अप्रैल 1865। उन्होंने अमेरिका में प्रेसिडेंट के रूप में मार्च 1861 से लेकर के अप्रैल 1865 तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा की और असैसिनेशन में उनकी हत्या और 1865 में उनकी हत्या कर दी गई, वो मारे गए थे। अब्राहम लिंकन द फेमस यूएस प्रेसिडेंट वाज बॉर्न ऑन 12 फरवरी 1807। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1807 को हुआ था। वो यूनाइटेड स्टेट के एक प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए। ही वाज बॉर्न इन ए लॉग केबिन। वो एक लकड़ी की बनी हुई केबिन में पैदा हुए थे एंड वाज ब्रॉट अप इन पॉवर्टी। और उनका पालन पोषण गरीबी में हुआ, यानी उनके पिता गरीब थे। हिज फादर वाज ए फार्मर। उनके पिता एक किसान थे। हु ओन्ड ए स्मॉल फार्म इन केंटकी। उनके पास केंटकी नामक स्थान में एक छोटा सा खेत था। ही लास्ट हिज मदर एट ए वेरी अर्ली एज। उनकी माँ का देहांत उस समय हो गया जब वो बहुत छोटे थे। इन्हें अब्राहम के बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था एट द एज ऑफ 6 वर्ष की अवस्था में। यंग अब्राहम लर्न्ड टू यूज एन एक्स। छोटे अब्राहम ने कुल्हाड़ी चलाना सीखा एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम हेल्पिंग हिज फादर व्हाइल कटिंग वुड इन द नियर बाई फॉरेस्ट। और वो अपने पिता की पास के जंगल में लकड़ी काटने में मदद किया करते थे। ही आल्सो हेल्प्ड हिज फादर इन फार्मिंग। वो अपने पिता की खेती करने में भी मदद करते थे। यंग लिंकन वाज सो बिजी इन डूइंग ओड जॉब्स अराउंड द हाउस। बचपन में लिंकन अपने घर के चारों छोटे छोटे कामों को करने में इतने व्यस्त रहते थे दैट ही हैड नो टाइम टू गो टू स्कूल, कि उनके पास विद्यालय जाने के लिए समय नहीं था। ही वाज 10 years old व्हेन हिज फादर मैरिड अगेन। जब लिंकन की उम्र 10 वर्ष की थी तभी उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। हिज स्टेप मदर वाज काइंड लविंग वूमेन। उनकी सौतेली माता जी बहुत दयालु और प्यार करने वाली महिला थी। हु इनकरेज्ड हिम टू रीड। उन्होंने उनको उनका साहस पढ़ने के लिए साहस बढ़ाया। लेट हैव टाइम टू रीड। उन्होंने कहा आइब यानी अब्राहम लिंकन तुम्हारे ये पढ़ने की उम्र है, अब पढ़ो। शी सेड वो बोली व्हेन शी सा हाउ ईगर ही वाज टू स्टडी। जब उसने ये बात देखी कि लिंकन पढ़ने के लिए कितना इच्छुक थे।
एट नाइट, रात के समय, आफ्टर द अदर चिल्ड्रेन हैड गॉन टू स्लीप, जब दूसरे बच्चे सोने चले जाते, शी अलाउड हिम टू लाई बाई द फायर प्लेस एंड स्टडी, वो उन्हें आग के पास बैठाती और पढ़ने के लिए कहती। एज ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाई पेपर एंड पेंसिल, चूंकि वो पेपर कागज कॉपी और पेंसिल नहीं खरीद सकते थे, ही रोट ऑन वुडन बोर्ड, तो वो लकड़ी की तख्ती पर लिखते थे, विद ए स्टिक मेड आउट ऑफ बर्न कोल, और वो जले हुए कोयले की चाक बना लेते थे। ही यूज्ड द शॉवेल फॉर हिज एक्सरसाइज, वो जो खोदने वाले औजार थे उन पर एक्सरसाइज किया करते थे। ही यूज्ड टू राइट स्मॉल टू लाइंस पोएम्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, वह अपने को आनंदित करने के लिए, खुश करने के लिए दो लाइन की कविताएं लिखा करते थे। हियर इज वन ऑफ देम, उनमें से एक कविता यहाँ लिखी है। अब्राहम लिंकन हिज हैंड एंड पेन, अब्राहम लिंकन अपने हाथ और पेन से, ही विल बी गुड, हाथ और पेन का प्रयोग करके वो एक अच्छा आदमी बन जाएगा, बट गॉड नोज व्हेन, लेकिन भगवान जानता है कि वो कब बनेगा। व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, जब अब्राहम लिंकन की उम्र 16 वर्ष की हो गई, ही केम टू नो, तो उन्हें पता लगा दैट ए फार्मर लिविंग नियर हिज हाउस, कि उसके पास घर, पास के घर में रहने वाले एक किसान के पास हैड ए बुक ऑन द लाइफ ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन, उसके पास जॉर्ज वाशिंगटन जो कि के जीवन के बारे में एक पुस्तक है। ही वांटेड टू रीड इट, वो इस पुस्तक को पढ़ना चाहता था। एंड द फार्मर एग्री टू लैंड इट टू हिम फॉर ए फ्यू डेज, और किसान ने कुछ दिनों के लिए उसे वह उधार देने पर सहमत हो गया। इट टुक द बुक होम, वह उस पुस्तक को घर पर लाया, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा शुरू हो गई। द रेन पोर्ड थ्रू द लॉन्ग केबिन, लॉग केबिन, उसके लकड़ी के केबिन में पानी, वर्षा का पानी घुस गया एंड रेन्ड द बुक, और किताब खराब गई। अब्बास वेरी अनहैप्पी, ये देखकर ऐब को, यानी अब्राहम लिंकन को बहुत दुख हुआ। ही डिड नॉट है मनी टू बाई अनदर बुक, उसके पास दूसरी किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था। ही वेंट टू द फार्मर एंड टोल्ड हिम, वो किसान के पास गया और उसे बताया, पार्गिव मी सर, सर मुझे क्षमा कर दो, योर बुक हैज बीन स्पाइल्ड, तुम्हारी किताब खराब हो गई है, बट आई विल वर्क फ्री एट योर फार्म, लेकिन मैं तुम्हारे फार्म पर तब तक काम करूंगा टिल द कास्ट ऑफ द बुक इज मेड अप, जब तक कि पुस्तक की कीमत नहीं अदा हो जाती। अब्राहम लिंकन वर्कड फॉर द अबोलिशन, माने समाप्ति, स्लेवरी माने गुलामी, इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब्राहम लिंकन ने गुलामी प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया। ही वॉज नॉट फ्री फ्रॉम फॉल्ट, वो गलतियों से मुक्त नहीं थे, फॉल्ट माने गलतियां, बट हिज पैशंस फर्टिट्यूड एंड फायर्स डिवोशन टू द यूनियन मेड हिम वन ऑफ द अमेरिकाज ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट, लेकिन उनके पैशंस माने धैर्य, फर्टिट्यूड माने भी धैर्य, लेकिन उनके धैर्य ने, उनके फायर्स डिवोशन मतलब जलती हुई डिवोशन लगन, उनके धैर्य, असीम धैर्य ने, असीम धैर्य क्यों, पैशंस फर्टिट्यूड दोनों के माने धैर्य, तो उनके असीम धैर्य ने, उनकी जलती हुई लगन ने, इच्छा ने,
टू द यूनियन, यूनियन के प्रति मेड हिम वन ऑफ द अमेरिकाज ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट, उनको अमेरिका का सबसे महान प्रेसिडेंट बना दिया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। पहले वोट फोर है, इसमें से एक सही है। अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न ऑन 12th फरवरी 1807। अब्राहम हेल्प्ड हिज फादर इन फार्मिंग। अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। He was 10 years old when his father married again. He used the shovel for his exercise book. His father was a farmer. Abraham Lincoln worked for abolition of slavery in USA. He took the book home, but unfortunately the next day it started raining. He was very unhappy. He did not have the money to buy another book. The rain poured through the log cabin and ruined the book. Abraham Lincoln was born in 1875 in USA. Abraham Lincoln's father was a farmer. His stepmother was not a kind woman. Abraham Lincoln worked for the abolition of slavery in the USA. Abraham Lincoln became the president of USA. Abraham Lincoln used the shovel for his exercise book. Answer the following question. Who was Abraham Lincoln? Abraham Lincoln was the President of America. When was he born? He was born on 12 February 1807. What kind of lady was Lincoln's stepmother? Lincoln's stepmother was kind and loving lady. How did she help him? She told him to read. Why was Abraham Lincoln was very unhappy? Because his book was ruined in the rainwater. What did Lincoln say to the farmer when the book was ruined? Lincoln said he was very sorry and he would work on his farm till the cost of book was made up. But was Lincoln's father was a farmer. How did Lincoln help him? Lincoln helped him in cutting wood in the forest and also in the farming. A person who cannot read and write, illiterate, a person who take care of the patient, nurse, a person who believes in God, theist, a person whose wife is dead, widower, a child whose parents are dead, orphan.